नमस्कार नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व बाहुबली और सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन को पे रोल पे बरी किया है। आपको बता दें कि पे रोल पे उन्हें 3 दिनों के लिए 6-6 घंटे के लिए बाहर जाने की अनुमति मिली है। हालाँकि वह सिर्फ दिल्ली में ही रह सकते हैं, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं और अपने परिजनों के अलावा और किसी से वो नहीं मिल सकते हैं। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने पेरोल दे दिया है। आपको बता दें कि उन पे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साहबुद्दीन को साल 2018 में बिहार के सिवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में, बताते चले कि बिहार के इस बाहुबली के पिता 19 सितंबर को मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही पेरोल को लेकर प्रयास किए जा रहे थे। इस बीच पिता के मौत के बाद मां के बीमार होने के आधार पर साहबुद्दीन ने कस्टडी पेरोल की मांग की थी। कोर्ट के मुताबिक साहबुद्दीन 30 दिनों के भीतर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 3 दिन चुन सकते हैं। नियमों के अनुसार साहबुद्दीन को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही पेरोल की अनुमति मिली है। इन 6 घंटे में यात्रा समय भी शामिल होगा। न्यायमूर्ति एजे भवानी की पीठ ने बाहुबली नेता साहबुद्दीन को किसी भी 3 दिन में 6-6 घंटे की कस्टडी पेरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया है कि कस्टडी पेरोल के लिए साहबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी। याचिकाकर्ता इस दौरान माँ, अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदार के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। बिहार के बाहुबली नेता साहबुद्दीन पर हत्या, अपहरण सहित दर्जनों संगीन मामले में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल वह सिवान में 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर निर्मम हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी छोटी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।